डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में प्रोनाउन का चार्ट बताया गया था और उस प्रोनाउन के चार्ट में आपको बताया गया था कौन सा रूप कहता है, किस रूप को कैसे दर्शाते हैं, वो सारे उसमें बताया गया था। अब इसके बाद मैं आज बताऊंगा प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम। प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम, प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम। अब प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम में क्या होगा, जैसे देखिए he said to me I have completed my work. He said to me, I have completed my work. Completed my work. So, completed my work. इसमें देखिए यह बताया गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। अभी आप तक जो भी टेंस में परिवर्तन बता रहे थे तो यहाँ पर आपने देखा कभी भी आई यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन नहीं दिखाई दिए होंगे, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करते, प्रोनाउन हमेशा रखते ही नहीं थे कि जिससे परिवर्तन हो। लेकिन अब मैं प्रोनाउन में परिवर्तन के एकदम सिंपल सा नियम बताऊंगा। इसमें देखिए आपको बताया जा रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के तो बताया गया था जिसे आई मी माई माइन We, us, our, ours. ये देखिए फर्स्ट पर्सन के यानी आई भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है और उसके जो बनने वाले शब्द हैं वो भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के प्रयोग होंगे तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। जैसा यह सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार बदल देंगे। जैसे देखिए ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। आइए देखो ये किस पर्सन का है, यह फर्स्ट पर्सन का है तो आपको बताया गया कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यानी कि सब्जेक्ट किसको बदलेगा, यानी ही इसको बदलेगा और ये जो आई आप देख रहे हैं यह आई फर्स्ट पर्सन का है और ये जो फर्स्ट पर्सन का वो भी सब्जेक्ट के रूप में है, इसीलिए जब ही इसको बदलेगा तो जो ये बदलने वाला होगा जैसा ये ऊपर रूप रहेगा अगर सब्जेक्ट रखा रहेगा तो इसका सब्जेक्ट का रखा जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट का रूप रहेगा यहाँ पे कहीं पर भी तो इसके ऑब्जेक्ट वाला रूप रखेंगे, यदि पसेसिव एडजेक्टिव वाला रूप रहेगा तो इसका पसेसिव एडजेक्टिव वाला रूप रखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आई सब्जेक्ट है तो ही आई से कहेगा कि तुम भी ही हो जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब यहाँ पर चूंकि इस तरह भी समझ लीजिए कि आई सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट इसका ही है तो ही का भी सब्जेक्ट इसके नीचे आएगा, अर्थात जैसा रूप ऊपर रहेगा और जो बदलेगा इसका उसका भी रूप जैसा ऊपर वाला का रूप रहेगा उसी का जो बदलने वाला होगा उसका भी रूप वैसा ही होगा। अर्थात ऊपर सब्जेक्ट होगा तो नीचे भी सब्जेक्ट, ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो नीचे भी बदल जो बदल रहा है उसका ऑब्जेक्ट, पसेसिव एडजेक्टिव होगा ऊपर तो नीचे भी पसेसिव एडजेक्टिव, पसेसिव प्रोनाउन होगा ऊपर तो नीचे भी पसेसिव प्रोनाउन। जैसे देखिए यहां पर हैड कंप्लीटेड माई वर्क,
दूसरा देखिए, सी सेड आई हैव डन माई वर्क। याद है कि प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम बता रहे हैं, टेंस में परिवर्तन के, जो भी टेंस इधर आएगा, जिस भी टेंस में रहेगा, जैसे पीछे बताया गया था उसी अनुसार बदलेंगे। सी सेड दैट, अब देखिए यह किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। यहां पर देखिए पहले एक काम यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखिए माई ये भी पर्सन है, तो आई यहां पर देखिए जब ही के अनुसार, थोड़ा सा एक बार फिर इसको देख लीजिए, जब इस आई को आपने ही के अनुसार बदला तो यहां पर ही हो गया हैड कंप्लीटेड। अब यहां थोड़ा एक बार देखिए, अभी देखिए माई भी फर्स्ट पर्सन का है, और जब यह माई फर्स्ट पर्सन का है तो यह भी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही देखिए, या जो माई है पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो ही के अनुसार बदलना है उसको, तो ही का भी पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा ही वर्ड। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आई के साथ अपने कितने की माई होती है तो ही रहेगा, तभी ही के साथ ही हो जाएगा, ऐसा कंडीशन भी बन जाएगा। अब देखिए यह किस पर्सन का है, फर्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन का जो है तो यह सी के अनुसार बदल जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा सी, और फिर इसके बाद हैड डन। अब देखिएगा किस पर्सन का है, यह भी फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सी, सी इसको बदले, यानी यहां पर देखिए आई रात माई सी हो गया तो हर हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन इस तरह भी समझिए कि यह जो माई पोसेसिव एडजेक्टिव है तो यह सी बदलने वाला है, अगर सी बदलेगा इसको तो यहां पर जो सी के अनुसार, यानी यह पोसेसिव एडजेक्टिव है तो सी का भी पोसेसिव एडजेक्टिव यहां पर हो जाएगा हर, इसलिए यहां पर हो गया हर वर्ड। दूसरा देखिए, हरी हरी सेड टू माया, हरी सेड टू माया आई एम रीडिंग माई बुक। तो हरी टोल्ड माया, हरी टोल्ड माया दैट, ये देखिए आई, आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट ये देखिए हरी इसको कहेगा कि तू हरी हो जाओगे, हरी तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, तो यह हरी का ही प्रोनाउन है, अगर कोई पुरुष एक बचन होगा तो ही से मतलब होगा, अगर कोई स्त्री होगी यहाँ पर एक बचन होगी तो सी से मतलब होगा, तो हरी है, अगर बहुवचन हो जाए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष तो दे से मतलब होता है, तो यहाँ ही, यानी हरी का मतलब ही हो जाएगा, तो ये ही मतलब देखो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो हरी है तो हरी का मतलब ही, तो ही के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा ही। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। रीडिंग, अब यहां पर देखिए माई है, माई फर्स्ट पर्सन का है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार, आई है तो माई है, ही हो गया तो ही हो जाएगा, इस तरह भी समझ जाएंगे ही जे बुक, परंतु रियल यही है कि अब माई जो है फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट के अनुसार, हरी के अनुसार, हरी का मतलब ही, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया ही। इस तरह से देखिए, किरण सेड आई हैव कुक्ड फूड। जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इसको तो देखिए, किरण सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन का, किरण के अनुसार, किरण का मतलब सी, तो हो जाएगा सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड कुक्ड फूड। उसी तरह से देखिए, यू सेड
टू मी, यू हैव टेंस कोई भी हो सकता है, मैं सिर्फ यहां पर प्रोनाउन चेंजिंग बता रहा हूं, टेंस आपको पीछे बताया जा चुका है। यू हैव कॉल्ड माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। देखिए जब इनडायरेक्ट में आप चेंज इसको करिएगा तो यू टोल्ड मी दैट। आप देखिए किस पर्सन का है, यह है आपका सेकेंड पर्सन का, जबकि यहां पर हमको क्या चाहिए फर्स्ट पर्सन। अभी मैं फर्स्ट पर्सन का बता रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन का ही होना चाहिए। तो आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड, तो यहां देखिए यह जो है फर्स्ट पर्सन का है, तो यह फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहां पर यू है, तो यू के अनुसार यहां पर क्या हो जाएगा, यू कहेगा कि तुम यू हो जाओ, क्योंकि तुमको हमारे अनुसार बदलना है, इसलिए यह यू हो जाएगा। अर्थात आई सब्जेक्ट है, तो यू का भी उसके नीचे सब्जेक्ट आ जाएगा। अर्थात जैसा रूप ऊपर रहेगा वैसा ही रूप नीचे आएगा, जो बदलने वाला होगा, जिसके अनुसार वो बदल रहा होगा। एड कार्ड, अब देखिए आइए तो माई है, यू है तो योर हो जाएगा, यू है तो योर फ्रेंड। उस तरह भी जानेंगे माई पसेसी एडजेक्टिव है, तो यू का भी पसेसी एडजेक्टिव क्या होगा, योर। अरे जैसा रूप ऊपर रहता है वैसा ही उसका रूप नीचे आएगा, जो बदल रहा है। दूसरा देखिए, दे सेड टू मी वी विल कॉल आवर रिलेटिव्स, दे सेड टू मी वी विल कॉल आवर रिलेटिव्स। देखिए जब इन डायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो दे टोल्ड मी दैट। आप देखिए किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। बताया जा रहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पे कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई मी माई माई वी आस आवर का प्रयोग होगा, तो उसे हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, तो दे इसको बदलेगा कि दे कहेगा तुम दे हो जाओ, अने वी सब्जेक्ट है तो दे इसके नीचे भी जो बदलने वाला उसका सब्जेक्ट, तो दे का सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा दे। अविल को हम वुड में बदल देते हैं, वुड में यहाँ पर बदल देंगे काल, अवर वी के साथ अवर दे के साथ देर हो जाएगा। अर्थात यह अवर जो है फर्स्ट पर्सन का पसेसी एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट दे है, तो दे का यहाँ पर पसेसी एडजेक्टिव रखा जाएगा, क्योंकि ऊपर पसेसी एडजेक्टिव है, तो नीचे भी पसेसी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देयर, देयर रिलेटिव्स आर ई एल उसी तरह से देखे। जैसे आई सेड टू यू आई हैव डन माई वर्क। जब आप इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो आई टोल्ड यू दैट, देखिए आई है सब्जेक्ट, तो ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार यहाँ पर भी आई है, तो आई कहेगा तुम आई हो जा, आई आई को जो आई देखो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आई को जब बदलेगा तो आई रह जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में डन, आई है तो माई है, फिर यहाँ पर भी आई है, बदल नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी माई होगा। अर्थात ये पसेसी एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट आई है, तो आई का भी पसेसी एडजेक्टिव माई होता है, तो माई वर। इस तरह से आपको बताया गया कि ये पहला रूल रहा है प्रोनाम में परिवर्तन के नियम के, पहला रूल यही है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, अर्थात रिपोर्टेड पार्ट में, अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर
कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसा सब्जेक्ट कहेगा वैसा ही उसको बदलना होगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार उस फर्स्ट पर्सन को बदलना होगा। बस ध्यान यही देना है कि यदि उसमें ऊपर जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो जो बदलने वाला है उसके नीचे भी उसका सब्जेक्ट रखा जाएगा। अगर पसेसी एडजेक्टिव ऊपर है तो पसेसी नीचे भी जो बदलना है उसका पसेसी एडजेक्टिव रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर तो जो बदलने वाला उसका ऑब्जेक्ट, अर्थात जैसा रूप ऊपर रहेगा उस वैसा ही रूप नीचे भी रहेगा। इस तरह से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम इस प्रकार से बदलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।